चलिए आज हम सीखेंगे, चलिए आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे जो शब्द आएंगे वो कौन आएंगे? नाउ, एट प्रेजेंट, जस्ट नाउ, राइट नाउ, या कुछ वर्ब हम बोलेंगे लिसन, सी, ऐसे शब्द आते हैं। एट द मोमेंट, ऐसे शब्द जनरली हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। अब जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कोई एक्शन होगी तो वो कुछ वक्त के लिए कोई एक्शन चालू होगी, उस वक्त हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये दो में फर्क क्या है? तो जो एक्शन कुछ वक्त के लिए चालू रहती है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, और कोई एक्शन लंबे समय तक चालू रहती है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो थोड़े वक्त के लिए चालू रहती है उसी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे अभी मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, आपको मैं ये टेंस सिखा रहा हूं, तो ये मेरी जो एक्शन है अभी चालू हुई है, अब 5 मिनट 10 मिनट तक वो चलेगी, या हम वीडियो बनाते तक चलेगी, जब तक मेरे वीडियो का टाइम होगा तब तक चलेगी। तो ये एक्शन जो है एक कुछ वक्त के लिए चालू रहेगी, इसीलिए हम ये एक्शन को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम जो हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में हम क्या बोलते हैं? तो अफर्मेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आता है एम इज आर, उसके बाद जो हमारा वी वन होता है उसको हम लगाते हैं आई एन जी, प्लस अदर ऑब्जेक्ट, उसके बाद होता है अदर वर्ड्स। जैसे कि मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं कि मैं अभी आपको टेंसेस सिखा रहा हूं, तो मैं अभी आपको टेंसेस सिखा रहा हूं, काल सिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं। तो यहां पे मैं जो है वो सब्जेक्ट है, मैं कौन है? सब्जेक्ट, इसका हम इंग्लिश क्या होगा? आई। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या, इसमें से एक हेल्पिंग वर्ब लेना है एम, आई के साथ एम आता है। अच्छा, अब सिखाने का जो जो वर्ब बी वन कौन है? सिखा रहा हूं, तो सिखाने का क्या है? टीच, एक्चुअली टीच बी वन है, तो हम टीच को क्या लगाएंगे? आई एन जी, आई एम टीचिंग। अच्छा, काल मन टेंसिस, टेंसिस में काल प्लूरल में लिया है, आई एम टीचिंग टेंसिस यू, टू यू। देखो मैंने आपको पहले टेंसिस लिया, यहां पे दो ऑब्जेक्ट है तो टेंसिस पहले लिया, उसके बाद में मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिया है तो टू आएगा, टू, टू यू, या तो फिर मैं यू पहले लूंगा तो फिर बाद में टेंसिस बोलेंगे, आई एम टीचिंग टेंसिस टू यू नाउ, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं आई एम टीचिंग यू टेंसिस नाउ। देखो अगर यहां पे हम यू लिखेंगे तो फिर हमें यहां पे टेंसिस लिखेंगे तो फिर टू नहीं आएगा, आई एम टीचिंग यू टेंसिस नाउ। चलो, वो अभी अपना होमवर्क कर रही है, अपना होमवर्क कर रही है, तो वो मतलब शी, शी के साथ क्या आएगा? इज। देखो कर रही है मतलब डू, अब डू को क्या लगेगा? आई एन जी, शी इज डूइंग हर अपना होमवर्क, हर होमवर्क, हर होमवर्क नाउ। तो यहां पर जो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिया तो सब्जेक्ट के बाद मैंने एम आई आया, इसके लिए एम, वी आता तो आर लेता, यू आता तो आर लेता, ही आता तो इज लेता, सी आता तो इज लेता, इट आता तो इज लेता। इसके बाद वी वन को आई एन जी लगाया, ये जो टीच वी वन है उसको आई एन जी लगाया, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, चलो यहाँ पे सी आया तो सी के साथ मैंने क्या लिया? इज। उसके बाद वर्ब कौन है? वी वन कौन है? डू, डूइंग, डू को आई एन जी लगा, हर होमवर्क। तो यहां पर हमने ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिया। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मुझे क्वेश्चन बनाना है, तो मैं क्वेश्चन बनाना, तो पहले क्या लिखूंगा? पहले मैं ये लिखूंगा एम इज आर, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? एम आई
टीचिंग टेंसेस टू यू नाउ अच्छा मुझे इसको बनाना है तो मैं लिखूंगा यहां पे ध्यान देना मैं यहां पे लिखूंगा इज शी शी का एस स्मॉल हो जाएगा इज शी डूइंग हर होमवर्क नाउ क्वेश्चन मार्क तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन हुआ अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में हम क्या करना है एम इज आर के बाद नॉट लिखना है यानी आई एम नॉट टीचिंग टेंसेस नाउ टीचिंग टेंसेस यू टू यू नाउ टू यू नाउ चलो इसका बनाएंगे तो शी इज नॉट डूइंग हर होमवर्क Doing her homework now. तो ये हमारा present continuous tense हुआ present continuous tense कुछ वक्त के लिए चालू रहेगी उसी को हम present continuous tense कहेंगे जब भी हमें कोई पूछ रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हैं तो उस वक्त हम जो एक्शन कर रहे हैं वो present continuous tense में शो कर रहा है तो उम्मीद करता हूं आपको ये present continuous tense समझ में आ गया होगा अब मैं लेता हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे इंडिकेटिंग वर्ड आएगा देन एट दैट टाइम ये खास वक्त आते हैं देन और एट दैट टाइम अच्छा इसमें हमारी जो अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट बोलेंगे उसके बाद वॉज वर ये हेल्पिंग वर्ब आएंगे उसके बाद V1 को हमारा लगेगा ING V1 को ING लगेगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स तुम उस वक्त टीवी देख रहे थे तुम का इंग्लिश कौन है यू तो यू के साथ क्या आएगा देखो यू के साथ हमने लिया वर देखो आई के आई होगा तो वॉज वी होगा तो वर यू होगा तो वर ही होगा तो वॉज सी होगा तो वॉज इट होगा तो वॉज यू लिया तो क्या आएगा वर अब देखना मतलब क्या है टीवी को देखने के लिए हमारे पास वर्ड है वॉच वी वन कौन है वॉच तो ये वॉच को हम आईएनजी लगाएंगे यू वर वॉचिंग टीवी देन मेरे पिताजी उस वक्त कपड़े धो रहे थे तो यहां पे मेरे पिताजी का इंग्लिश होगा माई फादर अब माई फादर के साथ क्या आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वॉज आएगा माई फादर वॉज अच्छा धोने का इंग्लिश कौन है वॉश तो वॉश V1 है तो वॉश को हम क्या लगाएंगे ING माई फादर वॉज वॉशिंग क्लोथ देन तो ये हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्शन खत्म हो जाती है तो उस वक्त हम वो एक्शन को मेंशन करने के लिए कोई पास्ट की एक्शन को मेंशन करने के लिए जो भाई उस वक्त वो एक्शन चालू थी उस ये बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं तो अगर मान लो कि भाई आपने कोई कल कोई एक्शन हुई हो और वो एक्शन हो रही थी ये बताने के लिए बोल रहे हैं तो उस वक्त आप बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पास्ट की कोई एक्शन चालू थी ये बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं उसमें हमारा सब्जेक्ट के बाद क्या आता है वॉज वर्ब और V1 को लगता है ING उसके बाद ऑब्जेक्ट अदरवाइज एज यूजुअल सब सेंटेंस में आता है इस तरह से लिखना है तो यहां पर उसका क्वेश्चन बनाना हो इसका हमें क्वेश्चन करना हो तो हमें वॉज वर्ब को आगे लेना है
वर्ज वर को आगे लेना है। तो मैं ये सेंटेंस का क्वेश्चन बनाता हूं, वर यू वॉचिंग टीवी देन। तो इसका बना दो वॉज माई फादर, अगर मैं ऐसा कहूं कि वॉज योर फादर तो भी चले, वॉज माई फादर लिखूं या माई की जगह पे मैं योर फादर पर लिख सकता हूं। अगर सामने वाले को क्वेश्चन करते हैं तो वॉज योर फादर भी कैसे है, वॉज योर फादर योर वॉज माई फादर वॉशिंग क्लोथ्स देन। चलो अब नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना तो वॉज वर्क के बाद क्या लिखेंगे, वॉज वर्क के बाद नॉट, यू वर नॉट वॉचिंग टीवी देन, आप उस वक्त टीवी नहीं देख रहे थे, टीवी देन। चलो अब ये लिखना है वॉज माई फादर, अच्छा नेगेटिव बनाना है, माई फादर वॉज नॉट माई फादर, हमें कहना है कि मेरे पिताजी उस वक्त कपड़े नहीं धो रहे थे, तो माई फादर वॉज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स देन। तो ये हुआ आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट की कोई एक्शन चालू थी ये बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपको समझ में आ गया होगा।